नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स। सियासत की गहमा गहमी के बीच विधानसभा 313 से भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अंकुर राज तिवारी का भाजपा सदस्य टिकट क्लियर हो गया। आइए उनके पिताजी से हम कुछ खास बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ विधानसभा 313 का नया विकास का आयाम यहाँ पे होगा, और आइए कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। विधानसभा 313 से तिवारी जी का टिकट क्लियर हुआ है जी। विकास के किस तरीके से काम किया जाएगा यहाँ पे, जो भी छूटे विकास है उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए, औद्योगिक विकास के रूप में भी हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद हो गई हैं। यहाँ इस क्षेत्र के विकास की जरूरतों पे पार्टी के साथ बैठ करके क्षेत्रीय जो हमारे पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे जानकारी लेकर के क्षेत्र की जनता के हिसाब से जो भी आवश्यक और उचित होगा उसको कराने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जाएगा। सारे लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और सारे लोगों के अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आखिरी लड़ाई लड़ने तक का साथ देकर के सबको आगे बढ़ाया जाएगा। शहर का एक गंभीर मुद्दा यहाँ पे जो है, सदर में बस अड्डा नहीं है, राहगीर और यात्रियों को बहुत दर दर की ठोकरें भटकना पड़ता है, इसके संबंध में क्या कुछ कहेंगे बस अड्डे को लेकर? इसके संबंध में भी जो भी उचित होगा बस अड्डे के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, जो भी एक उचित रास्ता बना करके पार्टी से राय लेकर के, जिला प्रतिनिधियों से, जिले में अधिकारियों से राय लेकर के, जो भी बेहतर और उचित होगा उचित कराने का प्रयास किया। मगहर में उपेक्षित सूती मिल है, इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बदहाली का दंश झेल रही है, उस पर भी चर्चा होगी, चर्चा करके देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर इस तरह के, जो उन्होंने कहा कि जो है आप देख सकते हैं इतनी भीड़ के बीच में उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा है। और इसी के बीच हमने कवरेज किया, आप देखते रहे खलीलाबाद टाइम्स, संत कबीर नगर, रितेश उपाध्याय।